फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ टॉक। इसमें हम समझेंगे कि हेल्थ टॉक या हेल्थ एजुकेशन का फॉर्मेट क्या होता है और हेल्थ एजुकेशन कैसे बनाया जाता है। बाय द वे, हेल्थ टॉक, हेल्थ एजुकेशन और नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज बनाएंगे। फ्रंट पेज में फर्स्टली कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, फिर हेल्थ टॉक लिखेंगे, फिर जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं वो नाम मेंशन करेंगे। जैसे मेरा हेल्थ टॉक है रो मिक्सर साइज पर, तो ये आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जिसको सबमिट करना है उनका नाम लिखना है, और फिर जिसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है लाइक स्टूडेंट नेम, आपका नाम ये लिखना है। उसके बाद आता है नर्सिंग प्रोफाइल। नर्सिंग प्रोफाइल में सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करते हैं। फिर आता है कोर्स, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। फिर ईयर, फिर नेम ऑफ टॉपिक, किस टॉपिक पर आप बना रहे हैं। जैसे मेरा टॉपिक है रेंज ऑफ मोशन, तो आपका हेल्थ टॉक का जो टॉपिक है वहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिर ड्यूरेशन, कितने मिनट का बना रहे हैं, फिर वो लिखते हैं। फिर डेट लिखते हैं, फिर टाइम, वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट करेंगे कि कम्युनिटी एरिया में प्रेजेंट करेंगे, वो मेंशन करते हैं। फिर एवीएड्स, एवीएड्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स, कौन कौन से आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं इस हेल्थ टॉक में, वो मेंशन करते हैं। फिर आता है नेम ऑफ इवेल्यूएटर, किनके अंडर में आप हेल्थ एजुकेशन प्रेजेंट करेंगे। फिर आता है डिजिग्नेशन, उनके डिजिग्नेशन क्या है। फिर डिपार्टमेंट एंड फिर कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रीवियस नॉलेज। इसमें लिखते हैं टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल, इसमें सिर्फ इतना ही मेंशन करते हैं। उसके बाद आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल द पीपल विल बी एबल टू गेन नॉलेज एंड एबल टू परफॉर्म एंड प्रैक्टिस अबाउट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। जैसे मेरा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज था, तो मैंने यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन लिखा है। आप यहाँ पे अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टॉपिक लिख सकते हैं। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वो होते हैं जो पूरा हमारा हेल्थ टॉक बनता है, जो उसकी हेडिंग्स होती हैं वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आती हैं। फर्स्टली उसको स्टार्ट करते हैं, ये जो दो लाइन है ये सेम रहेंगी सबकी। जैसे एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल द पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट रेंज ऑफ मोशन, जो आपका टॉपिक हो आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर ये हेडिंग्स हैं जो हम जो अंदर सभी इन हेडिंग्स को हम अंदर एक्सप्लेन करेंगे, वो यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन करते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, जो उसका स्पेसिफिक वर्ड होता है वो लिखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन का इंट्रोड्यूस, डेफिनेशन का डिफाइन, इन सबको लिस्ट आउट करते हैं। इंट्रोड्यूस, डिफाइन एंड लिस्ट, पर्पस, टाइप्स, प्लान्स, ये हमारा रोम एक्सरसाइज का है, इसलिए इसमें रोम एक्सरसाइज जो आपका टॉपिक हो उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस द डायरिया, अगर सपोज आपका डायरिया पे है, डिफाइन द डायरिया, इस तरीके से। फिर सेकेंड पेज आता है हमारा, इसमें ये कॉलम्स वाइज होते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, सेकेंड होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर होता है टाइम, फिर होता है कंटेंट, फिर होता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा जाता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, फिर होता है एवीएड्स, फिर होता है इवेल्यूएशन। ये कॉलम्स होते हैं, इसमें हमको लिखना होता है सीरियल नंबर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा था, इस पूरी को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ऐसे ही इंट्रोड्यूस द रोम एक्सरसाइज, फिर उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखते हैं लेक्चर कम डिस्कशन, ये सब में सेम रहता है। उसके बाद फिर ऐसा ही फॉर्मेट रहता है, सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएड्स, इवेल्यूएशन। जिस भी डेफिनेशन में या जिस भी कॉलम में आप एवीएड्स यूज़ करना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कोई भी एवीएड्स नहीं यूज़ किया था, तो मैंने वर्बलाइज लिख दिया था, लाइक मैं वर्बल इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद
टाइप्स हैं, तो टाइप्स मैंने थर्ड ये टाइप्स लिखते हैं उसके, सॉरी ये टाइप्स में पर्पज़ है, हाँ तो ये पर्पज़ लिखते हैं, उसका टाइम कंटेंट, उसका लेक्चर कम डिस्कशन, और इसमें एवीआर में मैंने चार्ट लिखा है क्योंकि मैंने चार्ट प्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे चार्ट लिख देंगे। और फिर इवेल्यूएशन का मतलब होता है जब हम अपना वो प्रेजेंट कर देते हैं तो जो पूछते हैं, जो लोग होते हैं उनसे आस्क करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, वो लिखते हैं व्हाट आर द पर्पज़ ऑफ रूम एक्सरसाइज, तो आपका जो भी टॉपिक हो उसमें आप व्हाट वेयर या हु करके आप उसको क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद ऐसा ही रहता है, आप ऐसा ही फॉर्मेट रेडी करते हैं, आप देख लीजिए इसको और इसकी स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हमारा नर्सिंग केयर प्लान भी बनता है, और हेल्थ टॉप को हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं तो सेम होता है, और जो हेल्थ टॉक हेल्थ एजुकेशन हाँ नर्सिंग केयर पे, और जो लेसन प्लान होता है उसका भी सेम फॉर्मेट ही होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप अपना जो कंटेंट है वो ऐड कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है। जैसे मेरा रूम एक्सरसाइज पर था तो उसका टाइप्स मैंने लिखे थे, फिर उसके जो अंदर रूम एक्सरसाइज के अंदर जो बॉडी मैकेनिक्स आते हैं वो सब लिखे थे मैंने, जैसे शोल्डर में जो भी बोलते हैं, ट्रंक में, एल्बो में, ये सब मैंने मेंशन किया था। और जो भी आप एविएट्स यूज़ करना चाहते हैं वो आप एविएट्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एविएट्स में चार्ट, फ्लैश कार्ड और पैम्पलेट, ये सब आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद समरी, समरी हमेशा कॉलम के अंदर लिखी जाती है जब भी, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही कॉलम के अंदर, पूरा हेल्थ टॉक कॉलम के अंदर ही हमको ख़त्म करना होता है, समरी कॉलम के अंदर ही लिखी जाती है, समरी एक स्पेसिफिक पेज में नहीं लिखी जाती है, कॉलम के अंदर समरी लिखते हैं। कंक्लूजन भी हमेशा कॉलम के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन इसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी और ये सब कॉलम को फिल नहीं करते, केवल कंक्लूजन लिखते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना कंपलसरी होता है, किसी भी असाइनमेंट, प्रोसीजर या हेल्थ टॉक या हेल्थ एजुकेशन के लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि हम नर्सेज हैं तो हमको पता होता है, पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये करते समय हमको ये फॉलोअप करना है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी होता है कि आपने ये कंटेंट कहाँ कहाँ से लिया है, तो जहाँ से मैंने लिया तो मैंने दो बुक्स प्रेफर करी थी तो वो मैंने उसका लिखा है। ओके, यहाँ पे हमारा हेल्थ टॉक ख़त्म होता है। अगर हेल्थ टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगी और उसका रिस्पांस भी करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।